बिहार की संचिता बासु ने जमाया साउथ इंडस्ट्री में अपना सिक्का। तय किया बिहार से साउथ इंडस्ट्री तक का सफर। दरअसल बिहार के रहने वाली संचिता बासु पहले एक टिकटॉक स्टार के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन अब उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी है और साउथ इंडस्ट्री के जरिए फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया है। बता दें कि साउथ की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो से संचिता ने डेब्यू किया है। फिल्म में वो लीड हीरोइन की भूमिका निभा रही है। बीते शुक्रवार यानी 2 सितंबर को उनकी ये पहली फिल्म रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दक्षिण भारत में ही नहीं बिहार में भी काफी पसंद किया जा रहा है। बताते चले कि खास बात तो ये रही कि फिल्म का प्रमोशन करने के लिए साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी पहुंचे थे और उन्होंने प्रमोशन के दौरान 4 चांद लगा दिए थे। आपको बता दें कि ये एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के सभी गाने काफी हिट हुए हैं। पहले दिन से फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया है। इस तेलुगु फिल्म के बाद अब संचिता तमिल फिल्मों की तैयारी में जुट गई है। भागलपुर में जन्मी संचिता वैसे तो सहरसा की रहने वाली है। संचिता बासु की माँ रीना राय नेशनल एथलीट रह चुकी है और पिता शैलेंद्र कुमार बिजनेसमैन है। संचिता की माँ अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी। संचिता को लोग एक्सप्रेशन क्वीन बुलाते थे। फिर संचिता टिकटॉक पर स्टार बनने के बाद इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस हो गई और अब फिलहाल वो इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटो पोस्ट कर फैंस से जुड़ी रहती है। संचिता के इंस्टाग्राम पर 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और अब उन्होंने अपनी अदाओं से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली है और फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज। मेरा जो बसु टाइटल है वो बेसिकली बंगाली सब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बसु जो है मेरा टाइटल, वो मेरे मम्मी पापा के नाम से है। बीना का ब और सुलेंदर का सु से मेरा नाम बसु पड़ा है, इसलिए। आगे कुछ फिल्म के लिए मैडम जी, एक्टिंग और डांसिंग या उसके अलावा बहुत कुछ स्किल चाहिए, तो क्या आपने बचपन में एक्टिंग या डांसिंग? मुझे मुझे बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था, बनना था। और तो फिर मैंने कभी ऐसा कुछ सीखा नहीं, बेसिकली कोई क्लास नहीं ली की एक्टिंग की या डांसिंग की। धीरे धीरे मैंने टिकटॉक्स बनाते गई, टिकटॉक बनाते बनाते मुझे एक्सपीरियंस होता गया कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देने हैं, बस ऐसे ही। अच्छा, आपका कैमरा कौन सीखा? मेरी कैमरामैन मेरी मम्मी रही है हमेशा से, टिकटॉक से लेके अभी तक जब भी वीडियो बना है सब कुछ मम्मा बनाती। पापा का उसमें योगदान? पापा का सपोर्ट, पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए थे जैसे स्नैक ऐप। मेरे इस टिकटॉक के वीडियो बनाने के बाद मैंने स्नैक ऐप पे वीडियो बनाया था, तो वो भी बैन हो गया था क्योंकि चाइनीज़ ऐप है। मैं कहना चाहती हूँ अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रील्स चल रही है इंस्टाग्राम की, तो लोग वहाँ अपने अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं और वायरल हो सकते हैं। अपने भागलपुर वासियों को कुछ संदेश जैसे इस क्षेत्र में? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़्यादातर ये बेटियों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि लोग ये कहते हैं कि ये जो लाइन है वो ख़राब है और बहुत ज़्यादा डरते हैं माँ बाप देने में। तो मेरे भी मम्मी पापा थोड़े से थे कि कैसे भेजूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर एक जगह आप कोई भी करियर चुनो तो सब में अच्छाई बुराई होती है। अगर आप दिमाग में अच्छाई लेके और एक जन हमेशा आपके घर के अगर आपके साथ रहते हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के साथ कभी कुछ गलत हो सकता है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छे लोग ही वहाँ मिलेंगे, तो बस अच्छा दिमाग में रख के टारगेट आगे रख के आगे बढ़ना है बस। देखिए अभी मैं न्यू हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, तो मुझे इतना पता नहीं कि किसके क्या कंटेंट में, मुझे जैसा मिल रहा है मेरे लिए, मैंने जैसे कहा मुझे जैसे जैसे स्टोरी मिल रही है मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। मेरे लिए जो अच्छा होगा, जो मेरे परिवार वाले आप लोग सबको अच्छे से नज़र उठा के जो मूवी देख सके अपने परिवार के साथ, मैं वैसा कंटेंट ढूंढ रही हूँ जो अच्छा संदेश दे सके पूरे समाज को, बस मैं वैसा मूवीज़ बनाऊँगी। इसीलिए मैं किसी के कंटेंट को कंपेयर नहीं कर सकती। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।